नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। रायपुर के ग्राम फुडहर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के 23वें राज्य स्तरीय युवक युवती और विधवा विधुर परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम ने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। निषाद समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज द्वारा यह आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है। सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। समाज में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निषाद समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज के 12 बेटा बेटियों को दाम्पत्य जीवन से जोड़ने का भी काम किए और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनको आशीर्वाद देने का अवसर मिला। और आज घोषणाएं हुई हैं कुछ भवन वन के निर्माण के लिए, और पिछली सरकार का 1 करोड़ का घोषणा था जिसको ये सरकार जारी किया है। वो यहाँ निर्माण करेंगे, प्रदेश स्तर का भवन का निर्माण होगा। और समाज का एक परिवार बलौदा बाजार जिले में हत्या हो गई थी, एक साथ 3-4 लोगों की, तो उस परिवार के प्रति भी सरकार संवेदना व्यक्त करते हुए उनके 4 बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिया गया है और 4,000 रुपया उनको 18 साल उम्र तक उनको देंगे। और उस परिवार के 2 लोगों को कलेक्टरेट पर काम में लगाए हैं और 20 लाख की घोषणा की है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और जो जसपुर का मयाली है वहाँ पर प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और पिछला वहाँ पर प्राधिकरण का बैठक करने के बाद काफ़ी उसको प्रचार प्रसार मिला है। और उसी तरह से बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक भी हम लोग चित्रकूट में करने जा रहे हैं। वैसे चित्रकूट तो पर्यटन की दृष्टि से नक्शे में आ चुका है, समापन नहीं हुआ है और आगे वहाँ मैं सभी अतिथियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कोई नहीं जाएंगे, मिले सभी लोगों का स्वागत सम्मान को चयन करके बैठक कर रहे हैं ताकि देश दुनिया के लोग वहाँ पर उसको देखें, समझें, जानें और आए तो टूरिज्म बढ़ेगा। जब से सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जवान उत्साह के साथ साहस के साथ लड़ रहे हैं, उनके साहस को नमन भी करते हैं। और हमारे गृहमंत्री जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन अरीना में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, बेहतर खेल अधोसंरचनाएं विकसित भी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है जिसमें 10 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालगो नगर जोन के 2 वार्ड क्रमशः वार्ड क्रमांक 34 और वार्ड क्रमांक 36 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में कुल 77 लाख के कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी और विधिवत पूजन अर्चनन कर आपको बताते चले कि मंत्री देवांगन को भूमि पूजन शिलापट्टी का अनावरण किया है।
बस्तर के पर्यटन स्थलों पर आधारित पुस्तक आओ बस्तर चले का विमोचन आज स्थानीय सर्किट हाउस में वन मंत्री केदार कश्यप ने किया है। मंत्री केदार कश्यप ने किताब का अनावरण करते हुए उसमें प्रकाशित तस्वीरों और जानकारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मैं बस्तर से हूं, किंतु कुछ जगहों पर मैं खुद नहीं जा पाया हूं, लेकिन अब अवश्य वहां पर जाऊंगा। सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए संकल्पित है। बस्तर के बाहर उसकी खूबसूरती उसके देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई और कल से बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक है। साथ ही बस्तर की तरक्की, बस्तर की बेहतरी के लिए जब से हमारी सरकार बनी है योजना बनाकर हर काम कर रहे हैं। बस्तर के सुदूर अंचलों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। लगातार नक्सली उन्मूलन में के क्षेत्र में ठोस और मजबूत कार्रवाई हमारी सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बस्तर के नौजवान की प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए ये सब जरूरी है। दृष्टि से बस्तर और सरगुजा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा और उसी के दृष्टि से पहले सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई और अब कल बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक है और बस्तर के तरक्की, बस्तर की बेहतरी के लिए जब से हमारी सरकार बनी है योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। नियद निल्लानार योजना लाकर बस्तर के सुदूर अंचलों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। लगातार नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारे सुरक्षा बल के नौजवान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को निखारने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए बस्तर ओलंपिक का भी बहुत व्यापक तौर पर आयोजन हो रहा है। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में निश्चित रूप से बस्तर के सर्वांगीण विकास की चर्चा होगी। बस्तर को आगे ले जाने का रोड मैप तैयार होगा और हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर में शांति बहाली के लिए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने। मणिपुर घटना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है नक्सलवाद आतंकवाद के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। देश में शांति सरकार की प्राथमिकता है और वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सद्भावना से रहें और मणिपुर विकास की दिशा में आगे बढ़ें। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में बेहतर परिणाम मिलेंगे। मणिपुर की जहां तक बात है, भारत सरकार ने लगातार गंभीरता से मणिपुर के लिए काम किया है और जब हमारी सरकार नक्सलवाद आतंकवाद अलगाववाद के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है ताकि देश में शांति कायम हो, तो मणिपुर भी हमारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सद्भावना से रहें और मणिपुर विकास की दिशा में आगे बढ़े। भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। आने वाले समय में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर दीपक बैज के बयान का पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दीपक बैज के पार्टी की सरकार ने एक भी बैठक नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है बस्तर के लिए हमने क्या क्या किया,
मैंने आप सबके सामने बताया कि जब भी विकास की बात होती है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। जब भी जनता के हित का काम होता है, क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास की बात करती है, कांग्रेस नेताओं को पस्ती नहीं है, उनके पेट में दर्द होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा दीपक बैस से पूछे कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक उनकी सरकार ने कितनी बार किया था। 5 साल में एक भी बैठक सरगुजा विकास प्राधिकरण की भूपेश बघेल की सरकार ने, दीपक बैज के पार्टी की सरकार ने नहीं किया था। और मैंने अभी आपको बस्तर के लिए हमने क्या क्या किया है ये मैंने आपके सामने गिनाया है। और जब भी विकास की बात होती है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। हम बस्तर के विकास की योजना बनाने जा रहे हैं, विकास की समीक्षा करने जा रहे हैं और दीपक बैज जी के पेट में दर्द होने लगा है। तो जब भी जनता के हित का काम होता है, क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास की बात होती है, कांग्रेस के नेताओं को पचती नहीं है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। बस्तर में नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने पर उपमुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नारायणपुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में अभूजमाड़ इलाके में एक कठिन सुदूर क्षेत्र है और यहां पर सर्च ऑपरेशन को हमारी सुरक्षा बल के जवानों ने अंजाम दिया है। वहां पर कठिनाइयों की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कई किलोमीटर तक पैदल चलना, वहां पर जाकर ऑपरेशन करना, ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा बल के जवान बहादुर और साथ ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। कांकेर और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अबूझमाड़ के इलाके में कितना कठिन और दुरूह क्षेत्र है, किस प्रकार से सर्च ऑपरेशन को हमारे सुरक्षा के जवानों ने अंजाम दिया होगा, सहज ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलना,
रेड कर कार्रवाई की गई है, जहां पर आरोपी साहिल टंडन के पास से प्लास्टिक की बोरी की तलाशी लेने पर प्लास्टिक बोरी में रखे अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गोल बाजार पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर चौक के पास में एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक धारदार चाकू को जब्त कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बसना में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे। पुलिस की गश्त के बावजूद चोरी की वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। बसना के हृदय स्थल में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और ताजा मामला समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का है, जहां पर शनिवार रात चोरी ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में सोने के 3 छत्र और चांदी के 2 छत्र दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर से करीब 1,00,000 रुपए की संपत्ति को चुराया है। पुजारी को चोरी की जानकारी सुबह लगी, जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ताले टूटे हैं, सामान बिखरा पड़ा है। और घटना की सूचना मिलने के बाद बसना थाना भवरपुर चौकी, सरायपाली थाना प्रभारी, पिथौरा थाना प्रभारी, पिथौरा SDOP पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला बसना से है, जहां पर आपको बताते चले कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां पर पुलिस के गश्त के बावजूद भी चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। बसना के हृदय स्थल में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का मंदिर है, जहां पर शनिवार रात चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से सोने के 3 छत्र और चांदी के 2 छत्र दान पात्र से नकदी चोरी की। तो वहीं मंदिर के पुजारी का भी कहना है कि चोरों ने मंदिर में करीब 1,00,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली है। और पुजारी को चोरी की जानकारी सुबह लगी है। मंदिर का पुजारी हूँ, जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा, सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है और जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दानपेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। हाँ, मार्ग छोटा छत्र 3-4 नहीं दिखा, मुकुट नहीं है, शनि मंदिर में भी मुकुट नहीं है, दान के खुला पड़ा हुआ था। अब ये तो वो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही, पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है, अगर जो हुआ होगा। मंदिर का तो 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट छत्र वगैरह और भी कई चीज़ों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। जांच में वैसे चोर जो भी होगा वो बचेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पुलिस के लोग अभी सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं उसका। अनुमानित तो अनमोल है, मंदिर में जो चोरी करने के लिए घुसा है या जो भी चीज़ ले गया है, तो पहले तो मंदिर को अपवित्र किया है, अंदर गर्भगृह में घुस के वहाँ के अलमारी तोड़ना, दान पेटी तोड़ना, वहाँ के सिर में हाथ लगा के मुकुट ये करना, तो अनुमानित तो जो भी पहले 5 लाख की चोरी हुई होगी, बाकी वो सब कुछ अनमोल है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत रैपिड असेसमेंट सर्वे का शुभारंभ हुआ है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कोरबा में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सर्वे का शुभारंभ किया।
यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। राजीव गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर कोरबा में आयोजित शिविर के दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत रैपिड असेसमेंट सर्वे कार्य का शुभारंभ कराया। व्हाट्सएप में डीपी लगाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 5 अंतर्राष्ट्रीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही प्रार्थी के भाई के दोस्त का व्हाट्सएप में डीपी लगाकर जो है वो घटना को अंजाम दिया गया। और इस दौरान घटना में सभी आरोपी राजस्थान निवासी बताए जा रहे आरोपियों को नामांकित करके गिरफ्तार करने में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और सिविल लाइन टीम की भूमिका रही है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई रकम 20 लाख रुपए और घटना से संबंधी 8 मोबाइल फोन गिरफ्तार आपको पता चले कि बरामद भी किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। श्यामपुर में शनिवार को आपको पता चले कि धूमधाम से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम के प्रमुख जन उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि में भी रूप में पिंकी गजेंद्र राठौर, सभापति टोकेश्वरी नेताम, सरपंच अतिथियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा के चलचित्र पर माल्यार्पण पूजा अर्चना करके उनके संघर्ष जीवन को याद किया। इस अवसर पर माकड़ी जनपद पंचायत सभापति पिंकी गजेंद्र राठौर ने नशा मुक्ति और स्वच्छता का शपथ दिलाया है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।